तो जैसा कि फ्रेंड्स मेरे साथ एक और स्टूडेंट है और अभी इन्होंने सैमसंग के वाइट पेस्टेड पे काम किया है। चलिए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या काम किया और यहाँ पे कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ। सबसे पहले थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मजबूल अंसारी। मकबूल अंसारी, कहाँ से आप? झारखंड से है। झारखंड से है, कब से काम कर रहे थे आप मजबूल? मैं 7-8 साल से काम कर रहा था। अच्छा, मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, कॉइल का नॉलेज नहीं था, कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं था, सर्किट का नॉलेज कुछ नहीं था। बस क्या काम करते थे पहले यहाँ से? पहले आने से पहले माइक कनेक्टर वगैरह सब चेंज करते थे। अच्छा, माइक कनेक्टर डिस्प्ले फोल्डर वगैरह डालते थे, लेकिन पीसीबी पे सर्किट पे कभी काम नहीं करते थे? नहीं नहीं। आईसीओ पे कभी काम नहीं करते थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी बताइए ये फोन में क्या काम किया आप? इसमें व्हाइट पेस्टर था, सीपीयू एमएमसी दो रिबोल करके लगाए, सेट चालू दोनों था। खुद खोले आप? जी, अपना हाथ से खोले, खुद लगाए। और ये चालू करने से पहले आपको एक 4G का फोन भी दिए थे? जी, वो तो वन शॉट में सीपीयू निकाल के लगा लिए। तो पहले रिबोलिंग भी नहीं आती थी आपको? रिबोलिंग माइक्रोस्कोप पे भी काम नहीं किए थे होंगे कभी आप यहाँ आने से पहले? नहीं। तो यहाँ पे आए, आपको माइक्रोस्कोप पे कैसा काम किया जाता है, रिबॉलिंग कैसे करना ये सिखाया आपको जी। उसके बाद में 3 से 4 दिन के अंदर एक 4G का सीपीयू कराए जी। और आज कितने दिन हुआ क्लास को? आज 7 डे है। 7 डे है। कल ब्लैक पेस्टेड ऑन किए और आज व्हाइट पेस्टेड में फिर एक सेट ऑन किए। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, खुद हाथ से किए ना? अपना हाथ से किए। हाँ, क्योंकि झूठ भी क्यों बोलेंगे, आप तो यहाँ सीखने के लिए आए। सीखने के लिए हम पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे? नहीं नहीं, जो सिखाए वही बोल रहे आप? जी जी। ठीक है, एक बार ऑन करके तो बता दीजिए। चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं सेट को इनके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, J5 का यहाँ पे डिस्प्ले में आ चुका है, इनका डिस्प्ले आ गया है और अभी ये पूरी तरह से अभी ऑन भी हो जाएगा। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ आके नॉलेज हमको प्रॉपर बराबर मिल रहा है, जैसा नॉलेज सोचे से उससे भी बढ़कर मिल रहा है। उससे बढ़ के मिल रहा है, वाह, दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से बोल रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे झारखंड से, बिहार से, यूपी से आना चाह रहे हैं, तो इतनी दूर के लिए वो सोच रहे, तो वैसे बच्चों को आपके बिहारी भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे? वो बिंदास चले आए, वो सोचना भी नहीं है, जल्दी से टिकट बना के इधर चले आओ सीखने के लिए। कैसा सिखा रहे सागर सर? बहुत अच्छा सिखा रहे सर। प्रैक्टिकल में भी अच्छा सीख रहे हैं और नॉलेज भी बढ़िया। सुबह में जो थ्योरी पढ़ा रहे वो कैसा पढ़ा रहे? वो थ्योरी बढ़िया है सर, और थ्योरी में ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। डायग्राम को समझना, डायग्राम को समझने से ही मोबाइल बनता है, और उसको पहले समझना पड़ता है, हार्डवेयर भी समझना पड़ता है। हैंड स्किल का काम प्लस सर्किट की नॉलेज दोनों चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है इसके लिए सिर्फ टीचर ही कर रहे काम, बच्चों से नहीं करा रहे? ना, वो यहाँ बच्चों से ही काम कराते, टीचर ना काम नहीं करते। टीचर लोग बताते हैं आपको कैसा काम करना है। यहाँ देख सकते हैं मोबाइल इनका पूरी तरह से खुल रहा है, ये लोगों पे आ गया, सेकंड लोगों पे, और अभी पूरी तरह से खुल भी जाएगा। तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा हो रहा, अभी जाके काम कर सकते हैं ना? कर अभी कितने दिन बचे हमारे पास? अभी 13 दिन बचे हैं। 13 दिन बचे, तो 7 दिन में इतना कुछ कर लिया आप, और 13 दिन में कहाँ तक पहुँचेंगे? हाई लेवल में पहुँच जाएंगे। हाई लेवल में पहुँच जाएंगे जी जी। अच्छा, तो कोई आया ना चाहे तो उसका पूरा पैसा वसूल है कि नहीं? एकदम पूरा पैसा वसूल। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच मकबूल। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आपके लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूँ, या तो फिर कुछ ना कुछ एक ऐसा अपडेट लेकर आता हूँ जिससे हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो टेक्नीशियन भाई है उनको कुछ ना कुछ एक हमारी तरफ से हेल्प होती है या सोल्यूशन होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारी एक वेबसाइट है www.phonefixhyd.com। हमारी वेबसाइट पर जाइए आप, वहाँ पर काफ़ी सारे आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। और अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, फोन फिक्स हैदराबाद जो है वो इंडिया का एक बेस्ट मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे आपको एडवांस लेवल और माइक्रो लेवल ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्सेस, UFI हो या इजी जटैक हो या और भी बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं इसमें, तो ये प्रोग्रामिंग के बॉक्सेस होते हैं जिसमें MMC और UFS का काम सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमको क्यों यूज़ में आता है, क्योंकि हम लेटेस्ट वाले जो हैंडसेट्स होते हैं या कोई भी हैंडसेट है, अगर आप USB से फ्लैश कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो आपको ऑन नहीं हो रहा है, हैंग ऑन लोगों पे अटका है, तो आप ऐसे बॉक्सेस को लेकर के आप काफ़ी सारा सेट्स रिपेयर कर सकते हैं। और अभी हमारे पास एक नया अपडेट आ चुका है, MIPI टेस्टर। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा,
ये देख सकते हैं मिपी टेस्टर, इसके ऊपर भी हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं आने वाले बच्चों को, क्योंकि ये बॉक्स में भी बहुत सारे अपडेट्स है। तो दोस्तों ये मिपी टेस्टर, UFI, इजी अटैक, इस तरह के काफी सारे नए नए टूल्स मार्केट में आते जाएंगे। और हमारा मोबाइल रिपेयर में ऐसा है फ्रेंड्स के हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट आते ही रहता है। तो हमारे पास आपको काफी सारे टूल्स होते हैं, UMT हो गया, अनलॉक टूल हो गया, CM2 हो गया, ऐसे काफी सारे टूल्स हैं जिसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स एक हैंडसेट को रिपेयर करने के लिए हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर का भी काम आना चाहिए, MMC का भी काम आना चाहिए, तब कहीं जाके आप हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मोबाइल में जो फॉल्ट आया है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है कि MMC रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो काम आप हार्डवेयर में रहेगा, आप सॉफ्टवेयर में काम कर देंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपके पास काम आ रहा है और आपका पास से काम वापस जा रहा है, या फिर आप किसी बाजू दूसरे दुकानदार को देकर अपना काम करा रहे हैं और अपनी आधी इनकम जाके उसको दे रहे हैं, तो जरूरत है आपको अपडेट होने की और एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर को आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। और आपका अगर बिजनेस आपको बढ़ाना है, इनकम आपकी बढ़ाना है, जो काम आपके पास आ रहा है वो आपको रिटर्न नहीं देना है बल्कि उसे हैंडसेट को रिपेयर करके कस्टमर को देना है और उससे इनकम आपको कमाना है, तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC तीनों की आपको ट्रेनिंग देते हैं, 20 दिन की ट्रेनिंग रहना आपको हमारी तरफ से फ्री होता है, और जितना भी काम होता है 10 से 12 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास होती है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, ब्लैक पेस्टेड पे यहाँ पे काम कराया जाता है, व्हाइट पेस्टेड पे यहाँ पे ऑन सेट पे काम कराया जाता है, 4G का एक ऑन हैंडसेट आपको देते हैं जिसमें 3 से 4 दिन के अंदर 100% CPU आपसे डन करवाते हैं। अगर 4 दिन के अंदर अगर आप CPU डन नहीं करते तो आपका फीस आप रिटर्न ले सकते हैं। ब्लैक पेस्टेड 6 दिन के अंदर आपको सिखाते हैं और व्हाइट पेस्टेड 8 दिन के अंदर आपको सिखाते हैं। डुअल लेकर आप 10 से 12 दिन के अंदर एक डुअल डेकर के सेट को इजिली आप प्रैक्टिस करके, उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आप वो भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों फोनफिक हैदराबाद एक ऐसा पहला ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बच्चों से काम करवाता है। टीचर्स तो काम करते ही है, साथ ही साथ स्टूडेंट यहां पे काम करते हैं। आप देखे होंगे हमारे पोस्ट, फेसबुक पे जाइए फोनफिक HYD के, फॉलो करिए हमें, डेली के लाइव पोस्ट मिलेंगे आपको और हर दिन का लाइव वीडियो मिलेगा आपको। फोनविक हैदराबाद ये इंडिया का पहला ट्रेनिंग सेंटर है जो अपनी क्लास डेली की लाइव आपको बताता है फेसबुक पे। एक एक घंटा, आधे आधे घंटे की हम क्लास डेली हम लाइव आपको फेसबुक पे बताते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं, और लाइव क्लास के वीडियो आपको हम शेयर करते हैं ताकि आप घर बैठे भी सीख सके। दोस्तों बहुत सारे सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाइए, फोनविक HYD यूट्यूब पे लिखिए आप, बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे आपको जिसको देख करके आप काफी कुछ नॉलेज थ्योरी की ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल में हैंड स्किल का काम, IC रिवॉल्विंग, ब्लैक पेस्टेड IC पे काम करना, ग्लू क्लीन करना, कोई ग्लू खरीदने की जरूरत नहीं है आपको फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिक और टेक्निक बताए जाते हैं कि आप बहुत इजीली आप ब्लैक पेस्टेड IC खोल सकते हैं। DC की स्विचिंग, DC से कैसे आप शॉर्टिंग वाला मोबाइल बना सकते हैं, आपको ये पता कर सकते हैं कि MMC का फॉल्ट है, CPU का फॉल्ट है, या पावर AC का फॉल्ट है, RAM का फॉल्ट है, या शॉर्टिंग है, लीकेज है, हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, क्या हाई बूटिंग ले रहा है, लो बूटिंग ले रहा है, बहुत इजीली आप DC की स्विचिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हम आपको हमारा सालों का एक्सपीरियंस आपको देते हैं, सालों का हैंड स्किल का तजुर्बा आपको देते हैं, तब कहीं जाकर के बच्चे उस टेक्निक और ट्रिक को लेकर के, उस एक्सपीरियंस को लेकर के अपने बिजनेस में वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 27 नवंबर से है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कहीं भी जा रहे हैं ऐसी जगह पे जाइए जहां पे टीचर्स के पास आप हैंडसेट लेकर जाइए, टीचर को दीजिए हैंडसेट। हमारे पास लाइव बच्चे जो सेट लेके आते हैं 10 से 12 सेट हर स्टूडेंट लेकर आता है, तो टीचर अगर शाम में लाइव रिपेयर करके आपको बता रहा है, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में आप जाइए। सिर्फ डायग्नोस करके देने वाले वहां पे बिल्कुल भी मत जाइए, आप देखिए क्या टीचर लाइव रिपेयर करके आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या लाइव आपके सामने। आपका हैंडसेट होना चाहिए, टीचर का, इंस्टीट्यूट का या किसी और का हैंडसेट नहीं, बल्कि स्टूडेंट जो अपने साथ सेट लेकर जाते हैं, अगर ट्रेनिंग सेंटर में टीचर आपके सामने लाइव रिपेयर करके आपको बता रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जाइए, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए आप। अगर आपको अच्छा लगे फोनफिक्स आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ पे हर बच्चा 10 से 15 सेट अपने साथ लेकर आता है जो कि हम बच्चों को
प्रैक्टिकली करके उनके सामने लाइव बताते हैं और स्टूडेंट के हैंड से, स्टूडेंट के हाथ से सेट को रिपेयर करवाते हैं। क्योंकि फ्रेंड जब सर्किट की उनको नॉलेज दी जाती है तो सेम डे उसी रिलेटेड पे उनको काम करवाया जाता है। चार्जिंग सेक्शन के दिन आपको चार्जिंग के फॉल्ट को बनाने की हम ट्रेनिंग देते हैं, कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है। ग्राफिक सेक्शन होता है या फिर लाइट सेक्शन होता है या सीपीयू होता है या पावर आईसी के बकलाइंस होते हैं, सारा कुछ लाइव आपको पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद में लाइव ट्रेस करके, लाइव चेक करके बताया जाता है। यही एक कारण है फ्रेंड्स, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जब आप करते हैं बहुत इजीली आप सारी चीजें खुद से चेक कर लेते हैं। क्योंकि काउंटर पे आपको बैठना है फ्रेंड्स, तो आप यहां पे जब आएंगे प्रैक्टिकली हम आपसे काम करवाएंगे। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ आपको बोर्ड पे दिखा देंगे, टीवी पे दिखा देंगे या टीचर एक आध हैंडसेट रिपेयर करके बता देंगे, बट फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपके हाथ से लाइव रिपेयर करवाएंगे। ये पूरे इंडिया में जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, सबसे हट के हमारे पास ये होता है फ्रेंड्स कि टीचर के साथ साथ बच्चे भी काम करते हैं। पूरे यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाके देखिए, अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि फोन फिक्स हैदराबाद के बच्चे इतने रिलेटेड पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, के किसी और इंस्टीट्यूट के बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड जब अच्छे से दिल से 100% उनको काम सिखाया जाता है तो बच्चे जब अच्छे से मेहनत कर लेते हैं उस चीज पे तो वो बहुत आगे चले जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। यही एक रीजन है फ्रेंड्स, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी होती है, हमको ज्यादा एड वगैरह करने की, ज्यादा रिव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बच्चे काम सीख के जाके अपने दोस्त रिश्तेदार और अपने मार्केट के जो दूसरे टेक्नीशियन भाई होते हैं उनको यहाँ पे फोन फिक्स में भेजते हैं। हर बैच में आपको हर दूसरे इंस्टीट्यूट का बच्चा हमारे पास मिलता है और जो बच्चे जाते हैं अपने सेम मार्केट से काफी सारे बच्चों को भेजते हैं। अभी लाइव आप देखेंगे, अभी भी हमारे पास एक दूसरे इंस्टीट्यूट का, एक बड़े इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा हमारे पास यहां पे बैठ के है, जिसको आप देखेंगे अभी आगे हमारे वीडियोस में। तो हम नाम दूसरे इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भी नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिसके पास जितनी नॉलेज है उतनी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वैसी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितनी मेहनत बच्चों के पीछे वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारे पास जो टीचर्स है पूरे वेल एक्सपीरियंस टीचर है, आप देखेंगे सालों का तजुर्बा है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह के टीचर्स के साथ अगर आप काम करेंगे, एक प्रोफेशनल टीचर्स के साथ आप काम करेंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपका हैंड स्किल भी प्रोफेशनल हो जाएगा। हमारे पास टूल्स देखेंगे आप जो बच्चों को देते हैं सारे के सारे प्रोफेशनल टूल्स है। हमारे पास 4-5 किस्म के SMD बिल्कुल भी नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काम करने के लिए एक अच्छा SMD चाहिए। आप एक्सपीरियंस करेंगे तो एक्सपीरियंस में नॉलेज तो आपकी होगी लेकिन रिजल्ट जो है ना किसी एक अच्छे टूल के साथ ही आपका काम आता है। आप डेली आकर एक अलग-अलग काउंटर पे बैठेंगे आपका हाथ नहीं चलेगा, एक काउंटर पे आपको अच्छे से बैठ के काम करना होगा। तो हमारे पास सारे के सारे ब्रांडेड टूल्स हैं। 1000-1500 रुपए वाला क्विक का SMD हम बिल्कुल नहीं देते हैं, 100 रुपए वाला येलो मल्टीमीटर बिल्कुल नहीं देते हैं, 200-250 रुपए का सोल्ड्रॉन का आयरन हम बिल्कुल नहीं देते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे SMD हो, चाहे मल्टीमीटर हो, चाहे ट्वीजर हो, सारी के सारे ब्रांडेड टूल्स ही हम बच्चों को देते हैं। रिलाइफ का ट्वीजर देते हैं, रिलाइफ का पेस्ट देते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर में ऑर्डिनरी टूल्स आपको दे देंगे, दोस्तों ज्यादा घंटे बैठने से बिल्कुल भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों आप 6-6 महीने बैठ रहे हैं, एक एक महीना बैठ रहे हैं लेकिन बताने वाला वो नहीं बता रहा है जो आपको चाहिए, तो आप बैठ के आपका टाइम वेस्ट है। दोस्तों कम समय में भी आप अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अगर पॉइंट टू पॉइंट काम करें, जो सीखना है वही अगर आप सीखेंगे तो आपको 15-15 घंटे इंस्टीट्यूट में बैठने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको अच्छी तरह से सिखाया नहीं जाता है, आप महीना भर भी बैठ जाइए, 6 महीने भी बैठ जाइए, ना तो आपका हैंड स्किल बनने वाला है ना तो आपकी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे हैंड स्किल और अच्छे नॉलेज के लिए एक अच्छे टीचर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है, जो कि फोनफिक हैदराबाद इंडिया के अंदर एक ऐसा बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर है कि बच्चे जाकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आज ही जुड़ जाइए फोनफिक हैदराबाद के साथ। दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक करें, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दें। आपके लिए बहुत जल्द बड़े बड़े अपडेट्स हम लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारा बैच यहाँ पे चल रहा है और अभी इनका प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। 27 अक्टूबर का बैच है और अभी हमारे 6 या 7 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहले रिबॉलिंग सिखाई गई, उसके बाद में 4G हैंडसेट पे CPU वगैरह लगाए और अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, तो इन्होंने अभी ब्लैक पेस्टेड ओप्पो का सेट है जो कि बहुत हार्ड ग्लू होता है। एक बार मैं पास से बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं
एकदम हार्ड ग्लू रहता है इसके अंदर। तो इसमें क्या काम किए अभी स्टूडेंट से ही पूछते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा अपना नाम बताइए। मुजम्मिल मेरा नाम। कहाँ से है मुजम्मिल? कर्नाटक, बीजापुर से। कर्नाटक से है, ठीक है। तो पहले कभी आप काम करते थे ऐसा आईसी वगैरह पे क्या? आईसी वगैरह पे तो कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम किया। यहाँ आने से पहले कब से काम कर रहे थे आप? 2 साल। तो 2 साल से क्या काम कर रहे थे इसमें? सीसी कॉम्बो। कॉम्बो वगैरह डालते थे या चार्जिंग पिन डालते थे? तो अभी यहाँ पे कितने दिन हो गए अपने को? 6 या 7 दिन हो गए। 6-7 दिन। तो डे 1 से क्या क्या सिखा है आपको बताओ थोड़ा सा। पहले तो मोबाइल की पहचान, मोबाइल के बारे में बताया गया। कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कंपोनेंट्स वगैरह बताया। ठीक है, डे 1। फिर सुबह में क्या कराया प्रैक्टिकल में आपको? आईसी रिवॉल्विंग को दी थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ट्रिक कैसा रहा रिवॉल्विंग का? अच्छा था सर, अच्छा रहा। तो उसके बाद में 2 दिन बाद आपका 4G CPU आप किए। हाँ जी। ऑन फोन पे लगाए CPU पहले? हाँ, ऑन फोन पे दिए विदाउट पेस्टेड पे। अभी ये क्या फोन है बताओ? ये ब्लैक पेस्टेड था, ये ओप्पो का फट है। क्या काम किया इसमें भी? TMC और CPU निकाल के रिवॉल्व करके ये बताओ, ये ऑन फोन दिया आपको? हाँ, ऑन था। तो खुद अपने हाथों से निकाले कि सर निकाल के क्लीन करके दिए थे? नहीं सर, पहले तो बताए थे, दूसरे बोर्ड पे बताए थे। दूसरे बोर्ड पे बताए थे, फ्रेश बोर्ड था, मैं खोल के। आप खोले, CPU भी आप खोले, MMC आप खोले, आप खुद क्लीन करें अपने हाथ से, क्योंकि पहले कभी रिवॉल्विंग वगैरह नहीं किए थे आप, पहले कभी काम नहीं किए थे। ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं नहीं सर। देखो एक बार यहाँ बताना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है, इन्होंने बनाए ये जी? अच्छा, साथ में आप भी? ठीक है, चलो एक बार ऑन करके बता दो भाई। तो यहाँ पे अभी ब्लैक पेस्टेड ओप्पो का सेट है, ये हार्ड ग्लू होता है जिसमें, किसी किसी को स्क्रैप में ऑन मिल जाते, किसी को जो है ना प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। अभी ये तो ऑन फोन पे कर लिए इन्हों। आराम से लाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। तो बैटरी कनेक्टर पे हाथ रख लो और पावर की इधर से दबाओ। करेक्ट, ठीक। यहाँ से निकल के ये ब्लैक वाला इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। अभी लगाओ, थोड़ा सा बैठ के बैठो, बस ऐसा। इधर दो बुरा ऐसे ही कर दो, ट्विजर से कर दो। रेड वाला दबा के देखा, ये जो है वायर कट गया है इसका। दूसरा एक थोड़ा केबल देना, ये थोड़ा लगा दो। शॉर्ट हो रहा, थोड़ा हटाओ। निकाल दो दोनों को, अलग कर दो। फोन सोल्ड कर दिया ऐसा? ठीक ठीक है। तो ठीक है, इसको एक बार ऑन करके चेक करते हैं अपन। ऑन कर दो, बैटरी कनेक्टर पे हाथ रख लो। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैंडसेट इनका ऑन होते हुए और ये पूरी तरह से खुल जाएगा अभी। तो ये बताओ, कहीं बोर्ड वगैरह तो हम बदल के नहीं दिया आपको? खुद हाथ से किया था जी। कैसा फील हो रहा अभी ऑन करने के बाद, थोड़ा सा बताओ इधर। अच्छा फील हो रहा सर। पहले कभी काम नहीं किया आप, ये ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू पे आप CPU निकाल के लगा लिए, ये बहुत सारे लोग करते भी नहीं इस तरह से काम। तो अभी काफ़ी सारे सालों के टेक्नीशियन है जो काम नहीं करते। अब आप 2 साल से काम कर रहे थे, फ्रेशर थे, हमारे पास आए, ऐसा ट्रेनिंग दिए। तो कोई आपके जैसे बच्चे आना चाह रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? आओ सर, अच्छा है, आपको अच्छा सिखाया जाता है। फ्रेशर बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग कैसा यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा सा बताओ खुल के। सुबह 8 बजे से 9-10 बजे तक भी चलता है यहाँ पे, अच्छा रहते। तो सोच के आए थे, मिल रहा आपको? जी मिल रहा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।